बिना ड्यूटी करके तो इधर रहने के लिए बहुत मुश्किल होता है। और बताओ आप कितने टाइम से इधर दुबई में हो? मैं तो मेरा हो गया अभी 15-16 महीना चल रहा है अभी। अच्छा, अभी तो ऐसा ही, अभी मैं बुद्धमान में। हाँ, बुद्धमान में अभी काम इधर ही है। पहले भी मेरा अलकल था। अच्छा, अलकल से अभी इधर आया। अच्छा, अभी देखते हैं अभी इधर कितना महीना तक रहा। तो दुबई में काम करके मजा आ रहा है? हाँ, अभी तो मजा आ रहा है। पहले पहले तो ऐसा नहीं था। अभी पहले क्या था कि घर जाने का मुझे मन हो रहा था। अच्छा, घर जाने का मन। अभी तो इधर का हवा पानी लग गया, सब कुछ इधर ही है, सब इधर तो घर जैसा लग रहा है मेरे को अभी। अच्छा, सही है। जिधर हम रहते हैं उधर ही सही रहता। चलो सही है। धूप बहुत तेज है जो कि मेरी आंखें नहीं खुल पा रही। तो गाइज ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो दुबई आना चाहते हैं या दुबई में जॉब खोजना चाहते हैं या यहाँ पे घूमने आने वाले हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग कुछ इस तरीके से कि मैं हूँ बस स्टैंड अलगुबेवा। सो यहाँ से मैं जा रहा हूँ जुमेरा। सो दिखाते हैं आपको क्या क्या है जुमेरा में। जुमेरा एक पब्लिक बीच है जो कि फेमस है पानी के, कई प्रकार के खेलों के लिए फेमस है। यहाँ पे काफ़ी सारी कॉफ़ी की दुकानें, आइसक्रीम के स्टॉल और समुद्र के किनारे लेबनानी कैफ़े हैं और ये सतवा से नज़दीक पड़ता है। तो गाइज आप देख सकते हैं डबल डेक बस, इसी में हम जाने वाले हैं जुमेरा। दोस्तों नज़ारा कुछ इस तरीके से है जुमेरा की तरफ। और गाइज अब आप देखेंगे कि सब टाइटल में यहाँ के कुछ रूल और रेगुलेशन के फ़ाइन वगैरह और कुछ सजेशन हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि दुबई एक बहुत पॉपुलर टूरिज्म डेस्टिनेशन है। यहाँ पे लोग, यहाँ पे रहने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं देना होता है और ये कंट्री बहुत सेफ है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि दुबई में जॉब कैसा है, कैसे हम ले सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप दुबई आना चाहते हैं तो आप अपना माइंड सेट करके आएँ कि यहाँ पे बहुत टॉप लेवल का कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पे 100-200 नेशनलिटी के लोग रहते हैं और जॉब करते हैं। काफ़ी अच्छा है। पीछे जाके मैंने देखा बट वहाँ पे कुछ शूट करने लायक इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे लोग नहा रहे हैं। सो वहाँ पे वीडियो लेना सही नहीं है। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉयर जो है कि 5 से 10 सेकंड लेता है CV चेक करने के लिए। तो यहाँ पे चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं उनके पास। तो CV कुछ इस तरीके से बनाएं कि जो बहुत यूज़फुल हो, कोई ऐसे फालतू में कोई चीज़ ऐड ना करें कि जो आपको पता ना हो या ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के लिखना, ये सही नहीं है। जो आपकी कैपेसिटी है वो आप लिख सकते हैं उसमें, और थोड़ा शॉर्ट में लिखें क्योंकि यहाँ पे 5 से 10 सेकंड लगते हैं एक एम्प्लॉयर को एक CV चेक करने में। अगर आपने कोई अटरम सटरम डाला है तो उसको इग्नोर ही करेगा वो। तो यहाँ पे आने से पहले आप अपने CV की कुछ कॉपी करवा लो, पासपोर्ट का और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और फ़ोटोज़ और जो भी डॉक्यूमेंट है आप PDF में भी लेके आएं। तो आपके लिए यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे इजीली लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं और आपको यहाँ पे खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको हर कंट्री का खाना यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा और मैटर नहीं करता आप कहाँ से हो। लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे काफ़ी लोग हिंदी बोलते हैं तो बहुत इजीली आप दोस्त भी बना सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे जॉब सीकर वीज़ा पे आ सकते हैं 90 दिन के लिए।
तो इसके बाद अगर आपको और ज़रूरत है तो आप उसको बढ़वा भी सकते हैं। तो जो ये वीज़ा होता है कुछ 1,000-1,100 दिरहम का आता है, जो कि इंडिया का बन जाता है 20-22 हज़ार तक। तो वैसे यहाँ पे 90 दिन तक आप 90 दिन तक घूम सकते हैं, और अगर आप जॉब खोज रहे हैं तो जॉब भी मिल जाएगी। और टिकट का क्या होता है कि टिकट यहाँ पे डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी से आ रहे हैं, ये प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो प्राइस भी ऐसा होता है कि आप 500 से 1,000 दिरहम तक आप टिकट ले सकते हैं। और अकोमोडेशन, अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं तो आप पहले से ही होटल बुकिंग करा लें, और अगर आप जॉब के लिए आ रहे हैं तो आपको कुछ कोई ऐसा आदमी खोजना पड़ेगा यहाँ पे कि जो आपका जानकार होगा। एयरपोर्ट पे आप उसका लेबर कार्ड शो करा के आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं, नहीं तो आपको अकोमोडेशन के लिए एडवांस बुकिंग दिखानी होती है। तो रहने के लिए आप जैसे कि बुरदुबई और देरा साइड खोज सकते हैं, यहाँ पे जनरली लोग शेयरिंग में रहना पसंद करते हैं। तो पार्टीशन भी ले सकते हैं जिसमें वाईफाई, वॉशिंग मशीन, शेयरिंग किचन, वॉशरूम इजीली मिल जाता है, और ये काफ़ी चीप प्राइस में भी मिल जाता है, जो कि 500 दिरहम तक, 500 दिरहम से लेके 1,000 दिरहम तक। दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ बस स्टैंड पे, और बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। एक बार बस स्टैंड पे ऐसे बैठा हुआ था मैं, और हमको पड़ा फाइन। फाइन इस वजह से पड़ा कि मैं गया था किसी को मिलने के लिए। वहाँ पे उसके रूम पे गए थे तो वहाँ पे बातचीत कर रहे थे, तो और लोग सो रखे थे। यहाँ भी यूजुअली ऐसा होता है कि एक ही फ्लैट में काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो लोग सो रहे होते हैं तो डिस्टर्ब होते हैं। तो हमने सोचा कि हम चलो बाहर चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं। तो फिर हम बस स्टैंड पे आए, खा पी के बस स्टैंड पे आए, और हम बैठे बैठे कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे तभी तक एक आरटीए का बंदा आया, बोलता आईडी दो। पर फाइन है, यहाँ पे बैठ के कोल्ड ड्रिंक पीना मना है, और आपके ऊपर ये खाने पीने का फाइन है। हम दोनों को फाइन पड़ा, और उसके बाद मैंने उसको पूछा कि भाई यहाँ पे ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि खाना पीना मना है। तो उसने बोला कि भाई यहाँ पे तो इस तरीके के कितने बोर्ड डालेंगे हम, तो यहाँ पे खाना पीना मना है। उस चीज़ का उसने 20 दिरहम एक्स्ट्रा चार्ज ऐड कर दिया है, एडवाइजरी चार्ज, कि मैंने आपको कुछ एडवाइस दी है इसका भी 20 रुपये अलग से जोड़ दिया उसने। वो फाइन जमा किया। तो कुछ फाइन की डिटेल मैं अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे लगा हुआ है स्टिकर, जो कि आप भी अवेयर हो सकते हैं इससे। यहाँ पे एक है कार्ड का एटीएम, इस एटीएम में पैसे आते नहीं हैं, जाते हैं। यहाँ पे नोल कार्ड डलता है, फिर स्क्रीन में लिखा हुआ आता है कितना क्या डालना है, और यहाँ नीचे से पैसे डालने हैं। हमेशा अपना बैलेंस रखिए 7.5 दिरहम से ऊपर ही रखें। बगल में कुछ इस तरीके से एक और मशीन है, यहाँ ये टच पैड है, फिर इस कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ गया है, ये नहीं टच होता, ये नीचे टाइम दिख रहा होगा। तो मेरा बस का जो टाइमिंग था वो स्क्रीन में आ रहा था 2:26। देखते हैं 2:26 में करेक्ट आती है या नहीं आती है, कितना मिनट लेट है या क्या है, देखते हैं। जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि ये वही बस है जिसमें मैं जाने वाला हूँ, 2:26 वाली, देखते हैं ये वो बस है कि नहीं है। फाइनली वही बस आ रही है, और अब हम बस में चलते हैं। तो बस में कुछ ज़्यादा लोग नहीं हैं, इस बस में ये बढ़िया है कि बाहर से कोई एडवर्टीजमेंट नहीं लगी है, मैं बाहर का व्यू अच्छे से दिखा सकता हूँ। कुछ इस तरीके से व्यू आ रहा है बस से,
बहुत बेहतरीन। फूड का इस तरीके से होता है कि अगर आप फूड कैफेटेरिया से खाना चाहते हैं या बाहर होटलों से खाना चाहते हैं, किसी रेस्टोरेंट से खाना चाहते हैं, तो यह आपका महीने का पड़ सकता है कुछ 700-800 दिरहम। और अगर आप टिफ़िन लगवाना चाहते हैं तो ये भी कोई 300-400 में लग जाता है। अगर आप खुद कुकिंग कर सकते हैं तो ग्रोसरी ला के आप 200-250 दिरहम में कुकिंग भी कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन वेल कनेक्टेड है, जो आप कहीं से कहीं तक भी जा सकते हैं। यहाँ पे बस है, मेट्रो है, टैक्सी है, ट्राम है, बोट है। तो मैं प्रेफर करेगा कि मेट्रो और बस को ज़्यादा यूज कीजिए। और इसके लिए आप नोल कार्ड बनवा सकते हैं, ठीक है, होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, जो कि अनलिमिटेड ट्रैवल मंथली वाला होता है, मंथली कार्ड। सो उसके लिए क्या होता है कि उसमें एमरिस आईडी की ज़रूरत होती है, बट आप यहाँ पे सिल्वर कार्ड ले सकते हैं। किसी भी मेट्रो स्टेशन से आप ख़रीद सकते हैं, जो कि 25 दिरहम में आता है और 19 उसमें बैलेंस होता है। और उसमें अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट आप रिचार्ज भी करवा सकते हैं, बट उसमें मिनिमम बैलेंस 7.5 दिरहम होने ही चाहिए। दोस्तों कुछ इस तरीके से रहा आज का दिन, अभी भूख भी लग रही है। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।